शराब पीने से होने वाली मौतों को लेकर मुआवजा दिए जाने से इनकार सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी सदन में लगातार मुआवजे की मांग कर रही है। इसी बीच वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के नेता हमेशा दोहरा चरित्र अपनाते हैं। पहले वो कहते हैं कि सरकार मुआवजा दे और अब वो कहते हैं कि सरकार को अपने घर से मुआवजा नहीं देना है। यही उनका चरित्र है। मुआवजे का प्रावधान पहले उन्हें समझना चाहिए कि मुआवजा कैसे देना है। कानून में सरकार ने मुआवजे का जो प्रावधान बनाया है वो मुआवजा कैसे और किससे दिलवाना है पहले उन्हें समझना चाहिए। मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप बीजेपी के साथ आरजेडी के विधायक भी लगा रहे हैं। कि सारे नदियों के पेट में ही गाद जमा हो रहा है। आप अगर गंगा नदी की हालत देखनी हो तो गांधी सेतु या जेपी सेतु पे चले जाइए और बीच पुल पर चले जाइए, जहाँ पर नीचे देखिए, जहाँ पे नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदी उथली है, वहाँ पे घास जम गया है, वो गाद जमा होने के कारण है। और ये गाद कोई स्थानीय चीज नहीं होती है, नदी का जो उद्गम स्थल होता है, जैसे गंगा के मामले में समझिए कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते, बिहार होते, बंगाल होते, बंगाल के खाड़ी में जाती है। हमने ये भी कहा कि भाई गंगा नदी तो चौसा के पास उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और 450 किलोमीटर बिहार के क्षेत्र से गुजरते हुए अंत में बंगाल में फरक्का में जाके फरक्का से आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस बीच में 450 किलोमीटर में तो जो पानी जमा होता है वो तो बिहार के कैचमेंट एरिया से जमा होता है।